हेलो, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका यूट्यूब के हमारे चैनल देसी ट्रेवलर पे। गाइस, आज है 25 मई और आप सबको ये जगह कुछ अलग लग रही होगी। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहां आ पहुंचा हूं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। सो गाइस, आज है 25 मई और अभी टाइम हो रहा है 2:30 PM और मैं आ पहुंचा हूं अपने गांव बेनीसर में, जो कि बीकानेर से 60 किलोमीटर दूर है। मैं अपने गांव में भी नहीं हूं, मेरे गांव में खेत है मेरा, मैं वहां पे हूं, डायरेक्ट पहाड़ों से रेतीले धोरों पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कहां पे हूं। तो दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ मैं आ पहुँचा हूँ। ये एक झोंपड़ी है, राजस्थान स्टाइल झोंपड़ी, और यहाँ पे बैग और गिटार पड़ा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पूरी अस्त व्यस्त पड़ी है, क्योंकि पिछले लाइक एक साल से इसको संभाला नहीं है, क्योंकि मैं पिछले साल यहाँ चला गया था। तो अब वापस आए हैं और इसको सही करेंगे। पहले सबसे पहले तो मैं बाहर से दिखाता हूँ कि क्या व्यू है, हम पहाड़ों से डायरेक्ट कहाँ आ पहुँचे हैं। ये देखिए आप, हम लोग आ गए हैं पहाड़ों से रेतीले धोरों की तरफ, और ये वो जगह है जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका यूट्यूब के हमारे चैनल देसी ट्रैवलर पे। गाइस, आज है 26 मई और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30, और जैसा कि आप सबको पता है, कल मैं अपने गांव पहुंच गया था और अभी आज सुबह बहुत सारे काम किए। जैसा कि कल मैंने बताया था कि झोंपड़ी को साफ़ करना था, बहुत टाइम से खुली नहीं थी, तो पहले इसको साफ़ किया, फिर आज सुबह पानी का जुगाड़ किया, पानी लाए वहाँ से, और इस पानी से पूरी तरह से इसको पहले पूरा भिगोया, फिर पानी भरा, एंड अभी कुछ साफ साफ लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ सेट कर दिया, ये हमारा बेड सेट कर दिया यहाँ पर हमने, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा गीला कर दिया ताकि ठंडा रहे पानी से, एंड जो माटी है वो ज़्यादा उड़े ना, और जो एक्स्ट्रा सामान था खेती का वो हमने यहाँ पे रख दिया है, एंड कूलर भी आज पानी से भर दिया। मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए आप, तो इसमें भी फुल पानी डाल दिया है, 1:45, और ये देखिए अभी कौन आए हुए हैं, सूर्या भाई। हेलो सूर्या भाई। हाय। और साथ साथ नरू भाई। तो ये किस लिए आए हैं, आपका रीजन बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, इस वजह से इस कूलर की जो पानी उठाने का मोटर है वो खराब हो रखी है। तो सूर्या भाई डायरेक्ट में चेक कर रहे हैं। वाह सूर्या भाई। मंगल पांडे वो सो रहा होगा बेचारा यार, अभी मतलब 2:00 PM रहे हैं ऑलरेडी, तो अभी पूरे दिन काम करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे से एक तो वो टेप और एक प्लास ले आता हूँ होटल से। प्लास अगर मिलती है तो भाई, अगर प्लास का प्लास पेचकस दोनों होना तो ला। पेचकस क्या? हाँ, वो खोलने वाला वो स्क्रू ड्राइवर। लो सूर्या भाई। चलो भाई, हो जाएगा, पर प्लास नहीं लाए। तो प्लास तो नहीं मिला उनके पास यार बाबा। ओ ब्रो, पेज कुछ तो ये भी था अपने पास। चलो देखते हैं, कुछ करते हैं, जुगाड़ यार करेंगे। भाई ने क्या डन किया या नहीं किया है कि नहीं है। जय भोलेनाथ। 1 2 3 चल भोले। अच्छा भाई, चलिए अभी मैं इसको चालू करता हूं। अभी आप वो तार लगाओ, ये तार शुभारंभ करो इसका। लग कर दोस्तों, ये हमने तैयार कर दिया डस्टबिन, कचरा यहाँ वहाँ ना फेंके, जो भी आए ध्यान रखें। थैंक यू सो मच नारायण भाई और सूर्य भाई को हेल्प करवाने के लिए। काफ़ी काम आज हो चुके हैं, लाइक 2 काम डन हो गए, एक कूलर की मोटर भी सही हो चुकी है, दूसरी जो ये डस्टबिन के लिए मैं सुबह से कर रहा था वो भी हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी कुछ ऐसा नज़ारा हो रखा है यहाँ पे, और टाइम अभी हो रहा है शाम के 6:02, हल्के फुल्के बादल आ रखे हैं, तो अभी बारिश होने का कोई चांस नहीं है। तो ये लीजिए दोस्तों, आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर सा आज मून खिला है, आप देखिए ये, और ये देखिए आप, फुल मून की आप सबको बहुत बहुत बधाई है, आपके और आपके पूरे परिवार को।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका यूट्यूब के हमारे चैनल देसी ट्रेवलर पे। जैसा कि आप सबने आज देखा कि सनराइज यहाँ पे कितना अच्छा होता है। कल रात को फुल मून था, पूर्णिमा की रात थी, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कल का भी। और अभी हम सुबह सुबह क्या काम कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, कि क्योंकि मैं यहाँ पर पिछले 5-6 महीनों से नहीं था, तो इस वजह से आसपास कुछ झाड़ियाँ वगैरह उग गई है, उनको हम काट रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और देखिए ये है हमारे कनेक्शन से, ये देखिए आप कैसा राजस्थानी जीवन होता है, कितना काम करना पड़ता है यहाँ पे। तो रियली सर्वाइवल लाइफ है यहाँ की, तभी तो यहाँ के लोगों को जिप्सी लोग बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी 6:30 हो चुके हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। आप देखिए सूर्य देवता अभी भी इतने ऊपर हैं, एंड ये वो जगह है जहाँ हम रह रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे खेती कर रहे हैं यहाँ पर। और सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, तो नई फसलें बोई जा रही है अभी। ये देखिए आप केसुआ का यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर बिजाई हो रही है नई फसल के लिए। तो ये देखिए दोस्तों अभी संध्या हो चली है, तो गाय वगैरह का दूध निकालने का टाइम हो चला है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:05 और अभी भी यहाँ पर सनसेट नहीं हुआ। जैसे कि पहाड़ों में बहुत जल्दी सनसेट हो जाता था और सनसेट देख भी नहीं पाते थे, क्योंकि मैं जहाँ था वो एक वैली थी, तो सनराइज़ देखा था बट सनसेट नहीं देख पा रहे थे। और सनसेट का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ। और आप देख सकते हैं कि पास वाले खेत में अभी सिंचाई हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर मूँगफली की जो फसल है वो बोई जा रही है। लगभग हर खेतों में यहाँ पर सिंचाई यहाँ पर इस तरीके से होती है। और आप देख सकते हैं कि हमारे खेत में भी आज मूंगफली का बीजान हो रहा है, वो देखिए ट्रैक्टर से बीजान हो रहा है। तो मोस्टली बीजान हो चुका है, बस वो जो सांप को सामने दिखाई दे रहा है वो थोड़ी सी जगह बाकी रही है, तो वो भी अभी पूरी हो जाएगी। और ये है हमारी प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पर आने के लिए आपको ये जो सामने रोड दिखाई दे रही है, ये रोड है बीकानेर जयपुर हाईवे रोड, यहाँ से आप आराम से आ सकते हैं। और ये हमारा खेत है, यहाँ पर आप रुक सकते हैं, हमारे साथ स्टे कर सकते हैं। देखिए सूर्य देवता धीरे धीरे अभी जा रहे हैं और हम भी इनको भी बाय बोलते हैं। कल फिर से मिलना होगा सूर्य देवता आपसे। दोस्तों हम आ पहुँचे हैं अपने मड हाउस पे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:20 और काफ़ी अच्छे दिन चल रहे हैं वापस राजस्थान में आके, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। हालांकि अभी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर चल रहा है नौतपा। नौतपा का मतलब होता है दोस्तों कि 9 दिन मतलब ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। कुछ भी 43-44 है, और बट मेरे लिए सही है, क्योंकि मैं इससे पहले 5-6 डिग्री टेम्परेचर में रह रहा था और अब 45 डिग्री टेम्परेचर में रहें। तो आप राजस्थानी हो भाई, आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो। आप 0 डिग्री में कर सकते हो, 50 डिग्री में कर सकते हो, इसलिए आप लोग जिप्सी लोग हो, तो ये बेस्ट है हमारे लिए। आज है 27 मई, मैं यहाँ पर आ गया था 25 तारीख को, 25 मई को आ गया था, एंड यहाँ पर आए हुए 3 दिन हो चुके हैं। तो अभी धीरे धीरे सही हो रहा है सब कुछ, कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं, कैसा सब कुछ यहाँ का व्यू है और क्या प्लान्स हैं मेरी इस जगह को लेके आगे, तो वो सब के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और वैसे भी मानसून आने वाला है, तो राजस्थान का मानसून, और लाइक आपको पता है ना, ऐसा लगता है कि आपको वो पहली बारिश जब सावन में होती है तो बहुत एक अलग सी फील आता है। तो वो ये जगह है, बहुत स्पेशल जगह है। इस सब के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि कैसे एक आपका देसी भाई जो थोड़े दिन पहले पहाड़ों में था अब राजस्थान के रेतीले दोहरों में आ गए हैं। और यहाँ की लाइफस्टाइल मैं आपको दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके साथ जुड़े रहें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और देसी ट्रेवलर को सपोर्ट करते रहिए।